दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। नए साल के मौके पर जम्मू के वैष्णो देवी माता के मंदिर से बुरी खबर आई है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान माता वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर LG की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। अभी अभी मिली अपडेट से पता चला है कि वैष्णो देवी माता की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। भगदड़ के बाद यात्रा को रोक दिया गया था। माता वैष्णो देवी भवन के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज कटरा। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।